हेलो गाइस, आज हम आए हैं पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट न्यू दिल्ली। ये मार्केट काफ़ी फेमस और पॉपुलर मार्केट है अपने फूड को लेके, अपने रेस्टोरेंट्स को लेके। तो आइए देखते हैं मार्केट। यहाँ पे आपको अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे और इसके अलावा यहाँ का स्ट्रीट फूड भी काफ़ी पॉपुलर है। तो इस टाइम हम खड़े हैं सेंट्रल मार्केट के मैकडोनल्ड्स के सामने। ये पंजाबी बाग सेंट्रल मार्केट का मैकडी है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ ये एयरटेल का स्टोर है। गाइस, मैं अभी आया हूँ 3 बजे के आसपास, जो कि इस टाइम इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ कम है और कोविड का टाइम भी है, पर शाम के टाइम यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, काफ़ी रौनक हो जाती है इस मार्केट के अंदर। सो यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ऊपर गोल्डन ड्रैगन रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट्स के अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे, शोरूम्स मिल जाएंगे, जैसे कि एयरटेल का शोरूम आपने पीछे देखा, और ये साथ में वोडाफोन आइडिया का शोरूम है। और ये वोडाफोन आइडिया के साथ यहाँ पे सिटी बैंक है। इस मार्केट के आसपास भी काफ़ी सारे बैंक आपको मिल जाएंगे। तो ये सिटी बैंक सेंट्रल मार्केट पंजाबी बाग। ये गाइस, आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी दोपहर का टाइम है तो भीड़ थोड़ी कम है। सो आगे आने पे यहाँ पे ये कॉर्नर पे एक और रेस्टोरेंट है, दिखा देता हूँ मैं आपको, जो दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्टिकी राइस। तो गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, अगर अपनी फैमिली के साथ डिनर या लंच के साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। देखिए, एक और बैंक है यहाँ पे, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। इस बैंक के साथ एक और रेस्टोरेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट लग रहा है। आइए गाइस, थोड़ा आगे चलते हैं। दोपहर का टाइम है, शायद कुछ शॉप्स बंद भी हैं यहाँ पे, और देखिए बिल्कुल खाली है। जैसे कि मैंने बताया, अभी 3 बजे का टाइम है। ये देखिए, एक और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जो कि है मोती महल डीलक्स। ये भी काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर है। इसके साथ बैंक देखिए, यूनियन बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे काफ़ी सारी बैंक की ब्रांचेज है। गाइस, मैं आपको शाम के टाइम का भी सेंट्रल मार्केट दिखाऊंगा। गाइस, सकते सामने पेस्ट्री शॉप थी। और गाइस, यहाँ से आप थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पे आपको डोमिनोज का आउटलेट मिल जाएगा। और ये देखिए, ये है डोमिनोज का आउटलेट, और डोमिनोज के साथ सबवे का आउटलेट भी है। तो यहाँ पे मैकडी, डोमिनोज, सबवे, इन सब के आउटलेट्स भी अवेलेबल है। इसके साथ एक और छोटी सी फूड शॉप है, लिटिल शेफ। और उसके सामने ये मार्केट है, और इसके पीछे भी देसी जायका करके एक स्कूल शॉप थी। गाइस, सामने ये स्कूल है, SMRA पब्लिक स्कूल। गाइस, मैं आपको थोड़ा बाहर से दिखाता हूँ मार्केट। स्ट्रीट फूड भी यहाँ पे काफ़ी फेमस है, तो आइए मैं थोड़ा स्ट्रीट फूड में क्या क्या है यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये चाइनीज़ वैन है, जो कि काफ़ी फेमस है। शाम के टाइम आप यहाँ आओगे तो बहुत भीड़ मिलेगी, यहाँ गाड़ियाँ एकदम फुल होती है, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आपको पार्क मिलेगी इसके आसपास। तो अभी दोपहर का टाइम है, इसलिए बिल्कुल अभी खाली है, कोई भी नहीं है। इस तरह के काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छे हैं। ये एक और चाइनीज़ वैन है। सामने बंधन बैंक की ब्रांच है। ये
गाइस यहाँ से सामने देखेंगे तो आपको हेयर मिस्ट्री, उसके नीचे SBI की ब्रांच मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे बैंक्स की भी बहुत सारी ब्रांचेज है, ऑलमोस्ट आपको सारे बैंक मिल जाएंगे इस रोड पे। सेंट्रल मार्केट में या उसके नियर बाय आपको ऑलमोस्ट सारे बैंक मिल जाएंगे। तो गाइस और स्ट्रीट फूड मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस ये सेंट्रल मार्केट के बाहर की वाली रोड है, मेन रोड। तो ज़्यादातर स्ट्रीट फूड यहाँ मेन रोड पे ही आपको मिलेगा और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए झकास डोसा है और पाव भाजी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलती है, ये बहुत फेमस है। शाम के टाइम यहाँ बहुत भीड़ होती है। एक और चाइनीज स्टॉल थी, हम फिर से मैकडी के सामने आए हैं। पहले हम अंदर से गए थे, अब हम बाहर से आए हैं। तो आइए रोड के उस तरफ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस रोड क्रॉस करने के बाद अगर आप मैकडी के सामने रोड क्रॉस करेंगे तो गुप्ता चाट कॉर्नर की शॉप मिलेगी। अभी दोपहर का टाइम है यहाँ पर, एक्चुअली शाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नहीं है आप देख सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर शॉप है फूड को लेके। यहाँ पर आपको बहुत सारे चाट पापड़ी, टिक्की, सुबह के टाइम यहाँ पे भटूरे बहुत फेमस है, छोले भटूरे बहुत फेमस है यहाँ पे। और शाम के टाइम यहाँ पे चाट पापड़ी के साथ साथ आपको टिक्की मिलेगी, उसके अलावा चाप, पनीर टिक्का, इस टाइप की आइटम आपको यहाँ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी फेमस फूड शॉप है यहाँ पंजाब बाग सेंटर बाकी गुप्ता चाट कॉर्नर। ये आपको गाइस शाम के 6 बज चुके हैं, शाम के 6 बजे का माहौल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी 6 बजे लोग आना शुरू हुए हैं, मार्केट तैयार हो गई है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट फूड सेलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। जैसे कि मैंने बताया था गुप्ता चाट कॉर्नर काफ़ी फेमस शॉप है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको स्विगी और जोमेटो पर भी मिल जाएगा। ये पहले हम ये देखिए, पहले हम मैकडी के सामने वाली रोड पर देख लेते हैं। ये अपोजिट साइड आ गए हैं गुप्ता चाट कॉर्नर पे। यहाँ पे देख सकते हैं चाट पापड़ी आपको मिल जाएगी और यहाँ पे ये अलग अलग तरह की चाप तैयार हो रही है, रोल तैयार हो रहे हैं, टिक्का तैयार हो रहा है, पनीर टिक्का, नॉन वेज आइटम भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। ये देखिए ये चाप है। और ये सामने टिक्की प्रिपेयर हो रही है। तो गुप्ता चाट कॉर्नर बहुत ही फेमस शॉप है, अगर आप पंजाब सेंट्रल मार्केट आओ तो इसको मिस मत कीजिएगा। यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा।